गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लाइब्रेरी साइंस की चर्चा करेंगे। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस की जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट की चर्चा करेंगे हम। और फोर्थ यूनिट में हमारा होगा जो है आपका दे रखा है संदर्भ एवं सूचना विभाग, संदर्भ एवं सूचना विभाग, इसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं पहले कि संदर्भ एवं सूचना जो विभाग दे रखा है, आवश्यकता एवं उद्देश्य दे रखे हैं। इस यूनिट में हम सबसे पहले कहां से चर्चा करेंगे, आप सभी एक बार जुड़ जाइए सभी, और जो भी हमारे इस चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लाइब्रेरी साइंस से हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैं फोर्थ यूनिट जो है हमारी, फोर्थ यूनिट के जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनमें सबको एक साथ बताने वाला हूं। हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले तो नंबर एक जो हमें पढ़ना है इसमें, संदर्भ एवं संदर्भ सेवा का अर्थ, संदर्भ सेवा का अर्थ कि संदर्भ सेवा होती क्या है, एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये संदर्भ सेवा का अर्थ। नंबर दो पढ़ेंगे हम इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता। और एक पढ़ेंगे नंबर तीन इसमें कि इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। नंबर चार पढ़ेंगे हम कि दीक्षा, दीक्षा क्या होती है लाइब्रेरी साइंस में, दीक्षा क्या है। और नंबर जो पांच पढ़ेंगे हम इसमें विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय से संदर्भ सेवा, तो हम पढ़ेंगे विद्यालय तथा संदर्भ, विद्यालय तथा सार्वजनिक, सार्वजनिक सार्वजनिक इधर लिख देता हूं मैं, पुस्तकालय से, पुस्तकालय से संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा। इसके बाद में दोस्तों और मैं बताता हूं हमें और क्या पढ़ना है इसमें, और पढ़ना है हमें संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण। यहां देखें संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष अध्यक्ष के गुण, पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण ये यहां से आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको गुण है। आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है संदर्भ, संदर्भ विभाग, संदर्भ विभाग की संरचना, संदर्भ विभाग की संरचना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूचना के स्रोत, क्या पढ़ेंगे हम सूचना के, सूचना के स्रोत, सूचना के स्रोत पढ़ेंगे। उसके बाद में सूचना के स्रोत, सूचना के स्रोत में हम पढ़ेंगे एक तो होता है प्राथमिक, नंबर एक, नंबर दो होता है द्वितीयक, द्वितीयक, और नंबर तीन होता है तृतीयक, ये पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा CAS और SDI, इनके बारे में हमें संपूर्ण रूप से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, अब यहां से आप चाहो तो लिखना प्रारंभ कर सकते हो। ये तो मैंने सिलेबस के बारे में बताया थोड़ा सा कि आपको सिलेबस पढ़ना क्या है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या था, यहां से मैं नंबर एक हेडिंग से शुरुआत कर रहा हूं इसकी। और ये टॉपिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे तो ज्यादा कठिन भी नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ सेवा का अर्थ, संदर्भ सेवा का अर्थ, संदर्भ सेवा का अर्थ क्या होता है, संदर्भ सेवा का अर्थ। तो संदर्भ सेवा का अर्थ क्या होता है ये हमें महत्वपूर्ण रूप से समझ लेना है कि संदर्भ सेवा होती क्या है।
तो दोस्तों संदर्भ सेवा जो होती है, संदर्भ सेवा वह व्यक्तिगत सेवा है। मैं यहां परिभाषा के रूप में लिख देता हूं इसको, परिभाषा इसकी जो हो जाएगी वो होगी कि संदर्भ सेवा वह व्यक्तिगत सेवा है, वह व्यक्तिगत सेवा है, वह व्यक्तिगत सेवा है जिसके माध्यम से दोस्तों आप साथ के साथ में इसको लिख लीजिए, जिससे कि आपको भी पढ़ने में सुविधा होगी और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। माध्यम से किसी विषय तक पाठक की पहुंच सुनिश्चित की जाती है वह संदर्भ सेवा कहलाती है। क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा कहलाती है। एक बार समझ लीजिए आप इसको कि संदर्भ सेवा वह व्यक्तिगत सेवा है जिसके माध्यम से किसी विषय तक पाठक की पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। कहने का जो तात्पर्य है वो है कि पाठक और पुस्तक के मध्य जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी पाठक को पुस्तक से मिलाने वाला कोई भी माध्यम हो, वो क्या कहलाएगा? संदर्भ सेवा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, एक बार आप इसको छाप लीजिए कि संदर्भ सेवा का अर्थ क्या है। संदर्भ सेवा का अर्थ हो जाएगा कि संदर्भ सेवा का जो अर्थ है वो है कि संदर्भ सेवा वह व्यक्तिगत सेवा है जिसके माध्यम से किसी विषय तक पाठक की पहुंच सुनिश्चित की जाती है, वह संदर्भ सेवा कहलाती है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो लिखेंगे हम। आगे क्या लिख सकते हैं हम इसमें, चाहो तो नंबर 2 डाल के लिख सकते हो इसको। नंबर 2, संदर्भ सेवा पाठक तथा पुस्तकों को मिलाने का कार्य करती है। पाठक तथा पुस्तकों को मिलाने का कार्य करती है। तो ये आपने लिख लिया होगा कि संदर्भ सेवा पाठक तथा पुस्तकों को मिलाने का कार्य करती है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ सेवा। अब नंबर 3 जो टॉप हेडिंग आप लिख सकते हैं वह है कि संदर्भ सेवा का सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो एक सैमुअल स्वीट ग्रीन नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसने व्यक्तिगत सेवा के रूप में संदर्भ सेवा का विचार प्रस्तुत किया था। तो विचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विचार प्रस्तुत किया था किसने? सैमुअल स्वीट ग्रीन ने। संदर्भ सेवा के रूप में, सबसे पहले व्यक्तिगत सेवा के रूप में इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सैमुअल स्वीट ग्रीन को जाता है। तो एक बार आप इसको भी लिख लीजिए कि सैमुअल स्वीट ग्रीन जिसने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा के रूप में जो प्रदान करने का जो विचार लाया था वो कौन लाया था? सैमुअल स्वीट ग्रीन। अगला जो बिंदु लिख सकते हैं हम वो है कि इन्होंने, इसी के बारे में लिख सकते हैं सबसे पहले कि जो इसको सैमुअल स्वीट जो ग्रीन थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो पुस्तक का नाम है इनका पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी एंड
लाइब्रेरी एंड रीडर्स। पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स जो ये पुस्तक है इसमें इन्होंने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था। तो एक बार आप लिख लीजिए इसको कि संदर्भ सेवा का जो व्यक्तिगत विचार के रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था वो था सैमुअल स्वीट ग्रीन, और इनकी जो पुस्तक थी पुस्तक का नाम क्या है, पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स। तो ये आपको लिख लेना है, तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। और अगला जो हमारा अगली लाइन से हम लिखना प्रारंभ करेंगे कि संदर्भ सेवा में मेलविन ड्यूई ने एक आदर्श वाक्य दिया था। क्या दिया था, एक आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया था, और वो आदर्श जो वाक्य है वो है जो चाहो वह मांगो। ये जो विचार प्रस्तुत किया था, ये जो आदर्श वाक्य दिया था वो किसने दिया था, ये वह मांगो। तो ये एक बार देख लीजिए, यहां थोड़ा स्पोर्ट बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, जो चाहो वह यहां लिखा हुआ है, वह मांगो। ठीक है, ये विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, ये विचार दिया था किसने, मेलविन ड्यूई ने। नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग संदर्भ सेवा पर निर्भर करता है। संदर्भ सेवा पर निर्भर करता है। तो आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि, और नीचे अगर आप कमेंट लिख देंगे तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप कहां तक समझ रहे हैं इसको और कहां तक नहीं समझ पा रहे हैं, आपको क्या चीज अच्छी लग रही है इसमें और क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो एक बार इस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब हम पढ़ेंगे संदर्भ सेवा की आवश्यकता के सिद्धांत, कि इसकी आवश्यकता के सिद्धांत, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी, आवश्यकता के सिद्धांत कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आवश्यकता के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। और आवश्यकता के जो सिद्धांत दिए थे वो दिए हैं R.S. रंगनाथन ने। किसने दिए, R.S. रंगनाथन महोदय ने। और जो रंगनाथन महोदय ने इसकी आवश्यकता के जो सिद्धांत दिए हैं, नंबर इसको मैं एक सारणी में बांट देता हूं, और सारणी कुछ इस प्रकार है, दिख रही होगी आपको, ये मैं एक सारणी बना रहा हूं, साथ में आप भी बना लीजिए इसको। एक तो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, कि यदि किसी पाठक को किसी पुस्तक की आवश्यकता है तो मानसिक रूप से वो परेशान नहीं हो और वो इसको क्या कर ले, प्राप्त कर ले। एक है ग्रंथों की कृत्रिमता। आजकल सभी ग्रंथ इतने बन चुके हैं जिनकी कोई हद नहीं है। सूची की कृत्रिमता सूची की
तो ये आपको क्या करना है, ये आवश्यकता के सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। दूसरा है ग्रंथों की आवश्यकता का सिद्धांत, सॉरी ग्रंथों की कृत्रिमता और सूची की कृत्रिमता। यहां तक आपने लिख लिया होगा, मैं कुछ वक्त दे रहा हूं आपको, एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस संदर्भ सेवा के सिद्धांत लिखते हैं। अभी तो हमने आवश्यकता के सिद्धांत लिखे थे, अब लिखेंगे हम संदर्भ सेवा के सिद्धांत। संदर्भ सेवा के सिद्धांत, संदर्भ सेवा के सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए, संदर्भ सेवा के सिद्धांत हैं। संदर्भ सेवा किस प्रदान किस प्रकार प्रदान की जाए, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दो व्यक्ति हुए हैं, मैं नाम लिख देता हूं। एक तो है जेम्स आई बायर, जेम्स आई बायर, जेम्स आई बायर नाम का एक व्यक्ति हुआ है जिसने संदर्भ सेवा के सिद्धांत दिए हैं। दूसरा है सैमुअल रॉथस्टीन, सैमुअल रॉथस्टीन। ये दो व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने इस संदर्भ सेवा के सिद्धांतों पर क्या की है, परिचर्चा की है, संदर्भ सेवा के सिद्धांतों पर परिचर्चा की है। तो एक बार आप इनको लिख लीजिए और मैं इनके बारे में बताता हूं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो सिद्धांत क्या है। तो एक इसके लिए भी मैं एक छोटी सी सारणी क्रिएट कर देता हूं। एक तो है अंगार का सिद्धांत। दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इनको पूर्ण रूप से बता नहीं रहा हूं, अभी इसके बारे में मुझे विस्तृत रूप से चर्चा करनी है, अंगार सिद्धांत। तो इसलिए आप आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक अंगार सिद्धांत, एक है उदात्त सिद्धांत, उदार सिद्धांत और एक है माध्यमिक सिद्धांत, माध्यमिक सिद्धांत। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब हमें देखना है कि संदर्भ सेवा का विकास किस प्रकार हुआ है। संदर्भ सेवा के सिद्धांत हो गए। इससे पहले मैंने बताया संदर्भ सेवा की आवश्यकता के सिद्धांत बताए थे। आवश्यकता के जो सिद्धांत थे हमारे रंगनाथन महोदय ने दिए थे। आप मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। यदि आपका पूर्ण रूपेण ध्यान इस वीडियो पे है तो आप बता दोगे कि आप के रंगनाथन महोदय ने जो सिद्धांत दिए थे वो कौन से सिद्धांत दिए थे। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ग्रंथों की कृत्रिमता और दूसरा तीसरा दिया था सूची की कृत्रिमता। अब हमारे जो संदर्भ सेवा के सिद्धांत हैं, दो व्यक्ति हुए हैं, जेम्स आई बायर है, सैमुअल रॉथस्टीन है। इन्होंने जो सिद्धांत दिए अनुदार सिद्धांत, उदार सिद्धांत और माध्यमिक सिद्धांत, ये सिद्धांत दिए। अब संदर्भ सेवा का विकास, अब पढ़ेंगे हम संदर्भ सेवा का विकास कि संदर्भ सेवा का विकास होता क्या है। संदर्भ सेवा का विकास, हेडिंग बनाइए आप संदर्भ सेवा का विकास। मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अब दिख जाएगा। संदर्भ सेवा का विकास हेडिंग बना लीजिए और नंबर एक डालकर आपको लिखना है। इसमें लिखना क्या है, चाहो तो मैं आपको बोल देता हूं, आप अगर लिख लें तो। देखिए मेरे पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाओं के बीच में मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको। और आप लिखना प्रारंभ कर दें कि संदर्भ सेवा का विकास किस प्रकार हुआ है। मैं उसको समझा दूंगा पूर्ण रूपेण आपको, एक बार आप लिख लीजिए पहले कि सैमुअल रॉथस्टीन के द्वारा 1875 में संदर्भ सेवा की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, संदर्भ सेवा की बात की गई थी। नंबर एक जो पॉइंट लिखा है वो एक बार समझ लीजिए आपने, क्या लिखा है कि जो संदर्भ सेवा की बात की गई थी सबसे पहले किस व्यक्ति ने की गई थी। तो सब
जो रोथस्टीन नाम के व्यक्ति थे, रोथस्टीन के द्वारा 1875 में और संदर्भ सेवा की बात की गई थी। नंबर दो जो अपना पॉइंट है, नंबर दो पॉइंट की बात करूंगा मैं, नंबर दो जो दो पॉइंट है वो है कि सैमुअल स्वीटग्रीन, व्यक्ति का नाम सुन लो एक बार, सैमुअल स्वीटग्रीन, सैमुअल स्वीटग्रीन, सैमुअल स्वीटग्रीन नाम का जो व्यक्ति था उसने 1876 में और सैमुअल रोथस्टीन ने 1875 में, सैमुअल स्वीटग्रीन ने 1876 में व्यक्तिगत अभिलाषा, व्यक्तिगत अभिलाषा, व्यक्तिगत अभिलाषा, व्यक्तिगत अभिलाषा की शुरुआत की, की शुरुआत की, व्यक्तिगत अभिलाषा, व्यक्तिगत का जो अर्थ हो जाएगा यहां पाठक के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है, शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो लिए हुआ है पाठक के लिए। पाठक कहते हैं जो भी व्यक्ति पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने का कार्य जो करता है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, पाठक। नंबर तीन पॉइंट की बात करेंगे हम, नंबर तीन पॉइंट, ये नंबर तीन पॉइंट जो है संदर्भ सेवा का प्रयोग, तो प्रयोग की बात करते हैं, संदर्भ सेवा का प्रयोग 1883 में, 1883 में बोस्टन लाइब्रेरी में प्रारंभ किया गया था, बोस्टन, बोस्टन लाइब्रेरी में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक लिख लिया होगा, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको मिटाने की कोशिश करूंगा, ये लो। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं तीनों को, जो भी मैंने अभी पॉइंट लिखा है, नंबर एक जो पॉइंट लिखाया था मैंने वो लिखाया था सैमुअल रोथस्टीन के द्वारा 1875 में, 1875 में संदर्भ सेवा शब्द की क्या की गई थी, बात की गई थी। नंबर दो पॉइंट लिखाया था मैंने सैमुअल स्वीटग्रीन ने 1876 में, 1876 में व्यक्तिगत अभिलाषा यानी पाठक की, जो पाठक के लिए शुरू किया गया था, व्यक्तिगत अभिलाषा यानी पाठक के लिए इसकी शुरुआत की थी। नंबर तीन जो पॉइंट लिखाया था मैंने 1883 में, 1883 में बोस्टन लाइब्रेरी में इसकी आई गई थी प्रयोग, रेफरेंस वर्ग, यहां तक आपने लिख लिया होगा, रेफरेंस वर्ग, रेफरेंस वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया गया था, रेफरेंस वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया गया था, यहां तक लिख लीजिए आप इसको। 1891 में रेफरेंस वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया गया था। आगे लिखेंगे आप नंबर पांचवा पॉइंट डाल के कि भारत में, भारत में, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ, संदर्भ सेवा का प्रारंभ 1828 to 29 यानी 1828 या 1829 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में प्रयोग प्रारंभ किया गया था। कहां पर? मद्रास विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग, इसका पुस्तकालय का प्रारंभ किया गया था। एक बार दोबारा सुन लीजिए, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ 1828-29 में रंगनाथन के प्रयासों से मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का प्रारंभ किया गया था। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा दोस्तों। इससे जो आगे की वीडियो है, इससे जो आगे के टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम संदर्भ सेवा की विधियां, संदर्भ सेवा की क्या पढ़ेंगे हम, विधियां पढ़ेंगे। उसके बाद में संदर्भ सेवा के कार्य क्या हैं तो वो वीडियो मैं आपको कल पोस्ट करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये हमारा चैनल है और
अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।